नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है, एनडीए की एकजुटता का किया दावा। पिछले एक महीने के दौरान पेट्रोल 7 रूपये और डीजल 4 रूपये प्रति लीटर तक हुआ सस्ता। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आवासीय और व्यावसायिक परिसरों का लगेगा होल्डिंग टैक्स। और लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज मनाया जा रहा है विश्व शौचालय दिवस। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है। श्री यादव पटना में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांतीय सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सभी दलों को समान तरजीह देता है। श्री यादव ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह अटूट है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार प्रभारी के नाते रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनकी 2 बार सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, जिस कारण श्री कुशवाहा की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वास व्यक्त किया है कि भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। श्री कुशवाहा ने कहा कि 4 और 5 दिसंबर को वाल्मीकिनगर में होने वाली राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद वे अंतिम रूप से कोई घोषणा करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार एक महीने से गिरावट का रुख जारी है। इस दौरान पेट्रोल 7 रूपये और डीजल लगभग 4 रूपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। पटना में पेट्रोल की कीमत गिरकर 80 रूपये 32 पैसे और डीजल की कीमत 74 रूपये 48 पैसे प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोगों को होल्डिंग टैक्स चुकाना होगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में नियमावली तैयार कर वित्त और विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया है। राज्य वित्त आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के अस्थायी और अस्थायी आवासीय परिसर के साथ साथ व्यावसायिक परिसर से होल्डिंग टैक्स वसूलने की सिफारिश की थी। आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली पहुंच गए हैं। आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बेगूसराय पुलिस ने कल उनके करीबी सहयोगी विकास कुशवाहा को हिरासत में लेकर उनके संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की। इधर कुर्की जब्ती की कार्यवाही के बाद पुलिस अब मंजू वर्मा के बैंक खातों को भी फ्रीज करने की तैयारी कर रही है। मुंगेर के बहुचर्चित AK-47 राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 11 आरोपियों की पटना स्थित NIA की विशेष अदालत में पेशी हुई। बाद में सभी को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए बेगूसराय के अपर समाहर्ता ओम प्रकाश प्रसाद और दानापुर नगर परिषद के प्रधान लिपिक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा। निगरानी विभाग की टीम दोनों की चल अचल संपत्तियों की जांच कर रही है। पंजाब के पटियाला जेल में बंद मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट के समक्ष पेशी होगी। साथ ही बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी और निलंबित बाल कल्याण पदाधिकारी रवि रोशन सहित 14 आरोपियों की भी अदालत के समक्ष पेशी होगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संविदा स्टाफ नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। तैयार पैनल में गड़बड़ी मिलने के बाद चयन समिति के एक सदस्य ने अंतिम सूची पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। पूर्व में भी PMCH में 300 कर्मचारियों की फर्जी बहाली का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद सबों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। राज्य में खतियानों को अद्यतन करने का अभियान 31 मार्च 2020 तक चलेगा। इस काम के लिए चलाए गए विशेष सर्वेक्षण और राष्ट्रीय भू अभिलेख प्रबंधन की अवधि 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के लिए दिए गए आवेदन की जांच होगी। कृषि समन्वयक खेतों की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। जांच प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने चलेगी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज विश्व शौचालय दिवस है।
यह दिन लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को शौचालय के उपयोग को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं, साथ ही उन्हें शौचालय बनवाने और इसके उपयोग को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। शौचालय दिवस के अवसर पर पटना के 11 प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा। प्रदेश में जल्द ही 21,500 एएनएम और 9,000 ए ग्रेड नर्स की नियुक्ति होगी। ये नियुक्तियां राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुजफ्फरपुर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार शहर को 344 अंक मिला है। इस सूची में लखनऊ पहले स्थान पर है। मुजफ्फरपुर के वातावरण में महीन धूलकण मानक से 10 से 12 गुना अधिक पाया गया है। पटना राज्य का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। राजधानी पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र में 11 फीट गहरे नाले में गिरे 10 वर्षीय बच्चे दीपक का 40 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है। कल देर रात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने खुले नाले में गिरे बच्चे की तलाश की, लेकिन बचाव दल को सफलता नहीं मिल सकी। आज भी तलाशी अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का एहसास बढ़ जाएगा। कल प्रदेश के अधिकतर स्थानों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य बना रहा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा और विभिन्न सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बिहार की टीम का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश से होगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मैच के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैशाली, लखीसराय, पूर्वी चंपारण और पटना जिले से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से पुलिस ने दूसरे के बदले बैंक की परीक्षा दे रहे 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला स्थित एक छात्रावास में 4 छात्रों के साथ हुई मारपीट और दरिंदगी के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अमृतसर में हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमृतसर में निरंकारी सत्संग पर आतंकी हमला, 3 की मौत, 21 लोग घायल। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, वाल्मीकि नगर में भी बोधगया राजगीर की तरह इको पर्यटन। दैनिक भास्कर लिखता है, आरबीआई बोर्ड की अहम बैठक आज, कुछ मुद्दों पर सरकार से सहमति संभव। प्रभात खबर ने लिखा है, पेट्रोल डीजल लगातार 29वें दिन सस्ता। पटना के राजेश पथ के समीप संप हाउस के नाले में गिरे 10 वर्षीय बच्चे की तलाशी अभियान को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता देते हुए लिखा है, सड़क खोदकर की जा रही दीपक की तलाश। आज की सुर्खी है, मंजू वर्मा के घर दूसरे दिन भी कुर्की। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है, एनडीए की एकजुटता का किया दावा। पिछले एक महीने के दौरान पेट्रोल 7 रूपये और डीजल 4 रूपये प्रति लीटर तक हुआ सस्ता। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आवासीय और व्यावसायिक परिसरों का लगेगा होल्डिंग टैक्स। और लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज मनाया जा रहा है विश्व शौचालय दिवस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी, मतदान कल। राजस्थान और तेलंगाना में नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली मानेसर खंड का उद्घाटन करेंगे।
सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह। अमरीका ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर की सैन्य सहायता रोकने के अपने निर्णय को सही ठहराते हुए कहा, पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद रोकने में नाकाम रहा। और अलेक्जेंडर स्वेरेफ ने लंदन में एटीपी टेनिस फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। छत्तीसगढ़ में 72 विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। राज्य के 19 जिलों के इन विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 119 महिला प्रत्याशियों सहित 1079 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल 20 नवंबर को 1,53,00,000 से अधिक मतदाता, जिनमें लगभग 76,00,000 महिला मतदाता भी शामिल हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया, द्वितीय चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। लगभग 650 कंपनी लगे हैं। वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के माध्यम से हम नजर रखेंगे कई मतदान केंद्रों पर। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, ये भी तैनात हैं, ये भी अपने रिपोर्ट करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए करीब 19,300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। तेलंगाना में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे का काम लगभग पूरा कर लिया है। कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की अंतिम सूची और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी कर दी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने भी बाकी 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। जांच कल होगी और 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान के 200 और तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में अगले महीने की 7 तारीख को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा वसुंधरा राजे सरकार में कुछ मंत्री आज नामजदगी का पर्चा भरेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों पार्टियों के बागी नेताओं द्वारा भी पर्चे दाखिल किए जाएंगे। बीकानेर में 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के उग्र कार्यकर्ताओं ने कल रात कुछ स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। राज्य में इस महीने की 28 तारीख को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत आज एक दिन के दौरे पर भोपाल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली मानेसर खंड का उद्घाटन करेंगे। वे गुरुग्राम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के 3.2 किलोमीटर लंबे एस्कॉर्ट्स मुजेसर बल्लभगढ़ कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे परियोजना में 6,400 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी वाहनों को यातायात में कमी आएगी तथा हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी जिले जुड़ेंगी। दिल्ली मेट्रो के एस्कॉर्ट्स मुजेसर बल्लभगढ़ गलियारे के उद्घाटन के बाद बल्लभगढ़ मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का 4था शहर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग समझौते के तहत 2 दिन की वार्ता आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ ng एंग हेन के साथ वार्ता में हिस्सा लेंगे। सिंगापुर के रक्षा मंत्री इस वार्ता से पहले आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हैं। वे अंडमान निकोबार कमान जाएंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डीके जोशी और अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख कमांडर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा से मुलाकात करेंगे। वे कमान के रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा भी करेंगे। सिंगापुर के रक्षा मंत्री की ये यात्रा मौजूदा समय में चल रहे सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 18 के मौके पर हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वियतनाम के दानांग में माइसन टेम्पल में दर्शन करने जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदुओं का महत्वपूर्ण पूजा स्थल माइसन वियतनाम में अपनी तरह की इकलौती धरोहर है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर दनांग पहुंच चुके हैं। दनांग का भारत के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। राष्ट्रपति कल सुबह विश्व परिषद धरोहर मिसोम भी जाएंगे, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। यहां बुद्धिज्म और हिंदू चाम सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। भारत यहां की धरोहर को बचाने का प्रयास भी कर रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति वियतनाम के अपने समकक्ष के निमंत्रण पर यहां की यात्रा पर हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, दनांग, वियतनाम। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। एक सप्ताह के कार्यक्रमों के तहत आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और अहिंसा पर बैठक और संगोष्ठियों का आयोजन होगा। कौमी एकता सप्ताह के अंतिम दिन को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता फाउंडेशन गृह मंत्रालय के साथ हर वर्ष कौमी एकता सप्ताह का आयोजन करता है। 25 नवंबर को सांप्रदायिक सद्भाव ध्वज दिवस मनाया जाता है। पुलिस संचार पर 2 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा पुलिस संचार के आधुनिकीकरण और उसकी चुनौती विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के परामर्शदाता निकाय पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय ने किया है। सम्मेलन में सभी राज्यों और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के पुलिस संचार शाखा के प्रमुख हिस्सा लेंगे। 8वां राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन आज झारखंड में रांची में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राज्य पुलिस के सहयोग से पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कर रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर का ये एकमात्र सम्मेलन है। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज मुंबई में शुरू हो रहा है। ये सत्र पहली बार नागपुर की जगह मुंबई में होगा। सत्र के दौरान 8 बैठकें होंगी और ये 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 20 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। विपक्ष सत्र की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग कर रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई के निकट एन्नोर में कामराजार बंदरगाह में फैले तेल को साफ करने के लिए अपने जहाज लगा दिए हैं। तेल फैलने की ये घटना कल तड़के हुई थी। एन्नोर में कामराजार बंदरगाह पर भट्टी का तेल निकालते समय कोरल स्टार्स नाम के मोटर टैंकर का पाइप फट गया था। इससे करीब 2 टन तेल फैल गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में शुरू की गई 2 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। इन योजनाओं से बहुत हद तक लोगों को फायदे भी हो रहे हैं। संबलपुर से हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ओडिशा में ये योजना सरकारी और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जा रही है। सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की साझेदारी से ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दोनों बीमा योजनाओं के लाभार्थी अंगुल जिले के विभूति बिस्वाल ने बताया। मेरा नाम विभूति भूषण बिस्वाल है। मैं अनुगुल जिला पुरुणागढ़ गांव का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में अपना बीमा करवाया हूं। सालाना बहुत कम प्रीमियम में ये दोनों बीमा करके मेरे परिवार को मैंने सुरक्षित किया है। लोगों को बड़ी संख्या में इस योजना की जानकारी देने के लिए सरकार के साथ साथ बैंकों और निजी कंपनियों ने प्रयास किए हैं। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर कदम उठाए गए हैं। संभलपुर से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर की सैन्य सहायता रोकने के अपने प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद रोकने में नाकाम रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि इसकी बजाय पाकिस्तान ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने यहां छिपने में मदद दी। फॉक्स न्यूज को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि इसके बाद ही अमरीका ने पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज उनकी जयंती पर एक ट्वीट में श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने आज रानी लक्ष्मीबाई को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्रीलंका में संसद की बैठक आज फिर होगी। इस बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा कल शाम बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में गतिरोध समाप्त करने पर कोई आम राय नहीं बन सका।
संसद की बैठक से पहले पार्टी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सत्र की कार्यवाही चलाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। आज विश्व शौचालय दिवस है। ये वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता, जल की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। एक रिपोर्ट। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी राज्यों और जिलों में आज ये दिन जन जागरूकता और प्रेरक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। शौचालयों के उपयोग पर जोर देने वाली ये योजना अगले वर्ष अक्टूबर तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से सीधे जुड़ी है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर सभी जिलों में स्वच्छ भारत विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से भारत में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8 करोड़ 80 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष का विश्व शौचालय दिवस अभियान शौच के लिए शौचालय की जरूरत पर आधारित है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है डायबिटीज के प्रति जागरूकता और इसका उपचार। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने एटीपी टेनिस फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को लगातार सेटों में हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। कल रात लंदन में खेले गए मैच में ज्वेरेव ने जोकोविच को 6-4, 6-3 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। अमृतसर में निरंकारी भवन में सत्संग के दौरान आतंकी हमला अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान लिखता है दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हाई अलर्ट, सेना अध्यक्ष और खुफिया एजेंसियों ने पहले ही किया था आगाह। जनसत्ता की टिप्पणी है विस्फोट के तार अलकायदा के कश्मीरी आतंकियों से जुड़े। उधर नवभारत टाइम्स ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों के हमले की खबर दी है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका चुनावी चौसर शीर्षक से लिखता है राजस्थान में सियासी तोड़फोड़ से भूचाल, देर रात तक कांग्रेस और भाजपा विद्रोही दलों के असंतुष्टों को शामिल करने में जुटी। बैंकों के बढ़ते एनपीए और छोटे उद्योगों को कर्ज देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच गतिरोध पर अमर उजाला की सुर्खी है। आरबीआई की बैठक में आज अहम फैसले संभव। जनसत्ता का कहना है रिजर्व बैंक और सरकार के बीच आज बैठक में बन सकती है कुछ अहम मुद्दों पर सहमति। अंग्रेजी दैनिक हिंदू का मानना है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुच्छेद 7 के इस्तेमाल की नहीं आ सकती है नौबत। उधर दैनिक जागरण लिखता है सरकारी बैंकों का घाटा करीब 2.5 गुना बढ़ा। महाराष्ट्र में मराठों को नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि ये आरक्षण नए कोटे के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कल होगा। राजस्थान और तेलंगाना में नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली मानेसर खंड का उद्घाटन करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर की सैन्य सहायता रोकने के अपने निर्णय को सही ठहराते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद रोकने में नाकाम रहा है। और अलेक्जेंडर स्वेरेफ ने लंदन में एटीपी टेनिस फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।